ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट आज आपके सामने खड़ा हूँ अपनों से अपनी सी बात करने के लिए। बेटे आज का मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का मेरा यह है कि सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 में हो गया। बेटे अब जनवरी 2020 आ गया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जून 2020 में एग्जामिनेशन होगा, तो मैं आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं कि दिसंबर 2019 में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सभी में जो इस बार क्वेश्चन आए किस तरह के थे, कैसे थे, क्या लगा, बेटे वो सब बातों का खुलासा करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि आप ये समझ लीजिए ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो पेपर हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो पेपर हैं। इसका मतलब ये चार पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है बेटे। और आपको लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या है? बेटे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप को चार पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया। आप देखें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब पहली बार इंडिया में बेटे हमने एक ऐसी बुक निकाली जिसमें बहुत समय लग गया, एक ऐसी बुक निकाली जो 3C फॉर्मेट में हमने सभी सब्जेक्ट्स को जो आपके सामने मैंने अभी बताए उनको कंसेप्ट्स में डिवाइड किया, चैप्टर वाइज डिवाइड किया। और जो भी क्वेश्चंस हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देंगे बेटे वो हमने कंसेप्ट्स में, और उसके बाद 5C फॉर्मेट। आप देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप की कैटेगरीज में एक कैटेगरी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक स्टेटमेंट दी होगी, नीचे चार ऑप्शंस होंगी, तीन ऑप्शंस होंगी, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करनी है। ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग और केस स्टडी। बेटे पांच कैटेगरीज में कंसेप्ट वाइज पहली बार हमने ऐसी बुक निकाली जिसकी इतनी जबरदस्त डिमांड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों जब से बुक आई है पता नहीं कितनी कॉपीज बिक चुकी हैं। आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि इस बुक में हमने किस तरह से कॉन्सेप्ट्स, पहला तो मैं इंडेक्स का पेज दिखाऊंगा, किसी भी बुक का मान लेते हैं, वैसे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक का है। बेटे हमने इसकी दो बुक्स बनाई है, एक थ्योरी की बुक बनाई और एक ऑब्जेक्टिव टाइप बनाई। ऑब्जेक्टिव टाइप में कंसेप्ट वाइज और पांच कैटेगरीज लिखी। आप देखें थ्योरी में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेंशन किए, मैं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूं। मैंने सभी को सभी बुक्स में, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो बेटे हमने कंसेप्ट लिखा, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कैटेगरी में लिखा, ट्रू फॉल्स को उसी कंसेप्ट में ट्रू फॉल्स में लिखा। जैसे पहली बात अगर हम करें, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं, कंसेप्ट 1-4 कैटेगरी 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पहली कैटेगरी है। इसी कंसेप्ट में, इसी चैप्टर में आपके सारा हमने टेस्ट पेपर्स इंक्लूड किए, स्टडी मटेरियल्स इंक्लूड की, दिसंबर 2019 के पेपर इंक्लूड किए और अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस को हमने उठाया और आपके लिए एक जुमावड़ा बना दिया बेटे कंसेप्ट वाइज। आप देखें जैसे पहली कैटेगरी थी मल्टीपल चॉइस, उसी में दूसरी कैटेगरी हमने उसी कंसेप्ट में रखी ट्रू फॉल्स। इसका मतलब ट्रू फॉल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने एक जगह रखे। इसके साथ साथ हमने पांच जो कैटेगरीज बनाई हैं बेटे उसमें थर्ड कैटेगरी मान लेते हैं, थर्ड कैटेगरी अगर क्वेश्चंस हैं तो हमने लिखे होंगे, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, और हमने उसके आंसर्स लिखे। कहने का मतलब है पहली बार इस दुनिया में, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूं बेटे, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बुक को जो फॉर्म दिया है आज तक किसी ने नहीं दी। हाँ अब हमारी कॉपी करके लोग करेंगे बट आपको इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। मैं ये आप सबसे अपनों से अपनी से बात में ये कहना चाहता हूँ कि आपके जून 2020 में पेपर बेटे फर्स्ट वीक में ही हो जाते हैं। इसका मतलब आपके पास अभी इतना समय बचा नहीं है, क्योंकि आप अगर ग्रुप टू देने वाले हैं तो बेटे ये छह पेपर हैं, छह, एक सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट एक अलग पेपर है, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज अलग पेपर है बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो पेपर्स हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो पेपर्स हैं, और इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और थ्योरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब तक थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्लियर नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ही नहीं आपसे।
और बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हमने जो कंसेप्ट आपका वीक है उस कंसेप्ट को पकड़े, उसके क्वेश्चंस देखें, उसकी कैटेगरीज देखें। बड़ी बड़ी मेहनत की है बेटे, बहुत मेहनत की है आप सबके लिए उस बुक को बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि उस बुक का मैं आपको एक, मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो कुछ चैप्टर्स अलग अलग बुक के जो हमारी बुक्स हैं उसके बुक्स के मैंने उसके लिंक अटैच कर दिए हैं। तो एक बार आप उन वीडियोस को जब देखते हैं, जब ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, उस लिंक से आप वो पेपर्स, वो सब्जेक्ट्स, वो चैप्टर्स डाउनलोड कर लेना और उसको मिलाना बाकी सब भारतवासी जितने भी बुक्स हैं। बेटे यकीन मानो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको मेरी जैसे कैटेगरीज या मेरे हिसाब से जैसे मैंने कंसेप्चुअली बताया है, जैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, केस स्टडीज, आपको नहीं मिलने वाली बेटे, आपको नहीं मिलने वाली। तो जून 2020 के लिए, 2020 के लिए हम आपके सामने इन तीन सब्जेक्ट्स में आए हैं, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटे मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स में रिकॉर्डिंग कर दी है और मैंने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश भी की है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कराया है। तो थ्योरी को बड़ी प्यारे से बताया है बेटे और हमने बड़ा कम मिनिमम प्राइस रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे अपने ही हैं, इसलिए हमने प्राइस ज़्यादा रखा ही नहीं। आप उसको गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, आप पेन ड्राइव से ले सकते हैं, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट बी। फिर हमने बेटे कॉम्बो लिया है, जैसे आप कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों की पेन ड्राइव लेते हैं तो फिर आपको और प्राइस कम पड़ेगा। बेटे फेस टू फेस की क्लासेस का ज़माना चला गया, स्किल इंडिया, आप वो टाइम आने जाने का अपनी कंप्यूटर स्किल्स को इंक्रीज करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करो, आप अपना समय, अब वो जमाना चला गया कि आप कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, 1 घंटा जाने में लगाएंगे, 2 घंटे वहां पढ़ेंगे, फिर बातें होंगी, फिर 1 घंटा आने में लगाएंगे, पूरा दिन चला जाता है। नहीं बेटे, अब नहीं, जमाना बदल गया, यूट्यूब का जमाना आ गया, वीडियो लेक्चर का जमाना आ गया, पेन ड्राइव का आ गया, हमने मोबाइल ऐप भी बनाई है। अगर आपको एक चैप्टर चाहिए, मान लेते हैं आप हमारा पूरा लेक्चर नहीं दे लेना चाहते, मत लीजिए, आप एक चैप्टर लेना चाहते हैं, आप एक चैप्टर देखिए और उसके बाद सोचिए, उसको कंपेयर तो कीजिए कि क्या सच में आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। बेटे आप चैप्टर वाइज ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी प्राइस हमने बड़ा ही मिनिमम रखा है, और अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ लेते हैं तो और कॉम्बो प्राइस कम है। बेटे सिक्योरिटी लॉस, मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी लॉस के अगर आप मेरे वीडियोज़ यूट्यूब में मैंने अपलोड किए हैं, स्पेसिफिकली चैनल बनाया है, अगर आप उनको ध्यान से करें, म्यूचुअल फंड्स के कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं बेटे मैंने, डेरिवेटिव्स के प्रैक्टिकल कराए हैं, आप पेपर्स देख लीजिए, दिसंबर 2019 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 2019 में प्रैक्टिकल आया, दिसंबर 2018 में प्रैक्टिकल आया। बेटे लगभग 3 बार से सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट में प्रैक्टिकल आ रहा है। बेटे पहला पहला क्वेश्चन, पहला पहला प्यार, पहला पहला पार्ट, चाहे पार्ट ए है या पार्ट बी है, आप जरा चेक करें, दोनों के पहले पार्ट में प्रैक्टिकल है। बेटे मैंने बड़े जबरदस्त प्रैक्टिकल डिस्कस किए, लॉस डिस्कस किए, सेबी को बताया, कैपिटल मार्केट की इंट्रोडक्शन से बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी लगने वाली हैं। और अगर आप हमारे से सभी सब्जेक्ट्स लेते हैं, सारे के सारे, मतलब कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी लेते हैं, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी लेते हैं, सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट भी लेते हैं, तो मैंने बड़े सारे कॉम्बोज बनाए हैं, ऐसे कॉम्बोज जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे हमारे अलावा, मतलब इतने सस्ते। वैसे तो आप हमारे वेंडर्स हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, बाइटर सीरीज है, सीए कार्ड है, ऐसे बड़े सारे वेंडर्स हैं, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, आप हमारे से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, आप तीनों ले सकते हैं सब्जेक्ट्स, दो ले सकते हैं, एक पार्ट लेना चाहें, एक चैप्टर लेना चाहें। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, अपना समय फेस टू फेस में मत वेस्ट कीजिए, समय बड़ा प्रीशियस है, उस टाइम में खाली मत बैठिए, कंप्यूटर की स्किल्स, एक्सेल की स्किल्स और कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज साथ साथ कीजिए। मैंने इसी चैनल में अपने काउंसलिंग वीडियोज़ भी बड़े सारे अपलोड किए हुए हैं, आप सीएस के साथ क्या कर सकते हैं, आप सीए के साथ क्या कर सकते हैं, आप सीएमए के साथ क्या कर सकते हैं, और क्या क्या करना चाहिए सीएस वाले बच्चों को, तो वो सारी बातें मैंने बताई हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। बेटे अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर और भी कुछ पूछने का मन है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो बेटे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।